आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के डाइट प्लान के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि दीपिका पादुकोण अभी प्रेग्नेंट है, और ऐसे में दीपिका पादुकोण कैसे अपने आप को प्रेगनेंसी में फिट रख रही हैं, प्रेगनेंसी में हेल्दी खा रही हैं, जिससे कि उनके बेबी और उनकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो क्या डाइट प्लान वो फॉलो कर रही हैं अपनी प्रेगनेंसी में, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपके साथ में हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड सारी टिप्स एंड वीडियो शेयर करते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दीपिका पादुकोण का डाइट प्लान। तो दीपिका पादुकोण अपनी प्रेगनेंसी में अपनी ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर हेल्दी खाना पसंद करती हैं, जिसमें वो अक्सर एग ऑमलेट या फिर पोहा, उपमा जैसा लाइट और हेल्दी फूड लेती हैं। इसके साथ साथ दीपिका मॉर्निंग में ब्लैक कॉफ़ी पीना भी पसंद करती हैं। इसके अलावा अगर हम उनके लंच की बात करें तो वो लंच में ज़्यादातर रोटी खाती हैं और उसके साथ साथ ग्रिल्ड फिश और सलाद लेना पसंद करती हैं। इसके अलावा अगर हम उनके स्नैक की बात करें तो वो स्नैक्स में ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स या वेरीज खाना पसंद करती हैं। इसके अलावा वो ज़्यादातर डिनर में रोटी लेती हैं, एक रोटी लेती हैं, उसके साथ सीजनल वेजिटेबल खाना पसंद करती हैं। इसके अलावा वो अपने आप को फिट रखने के लिए रोज़ाना योगा सेशन करती हैं। हालांकि वो हार्ड वर्कआउट नहीं करती हैं, वो जिम वर्कआउट नहीं करती हैं, बट रोज़ाना योगा करके अपने आप को फिट और हेल्दी रख रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।